नमस्ते दोस्तों, आज आपको हम इस ब्लाउज़ के नाप से ब्लाउज़ कट करके दिखाएंगे। कटिंग करके देखिए, इस तरह से जहां हम टक्स लगाए हैं वहां से हम हल्का सा घीच कर लंबाई चेक कर लेंगे। इसकी लंबाई 14 है, 14.5, तो हम 1 इंच प्लस कर लेंगे तो 15.5 हो जाएगा। और वहां पर हम निशान लगा देंगे और इस तरह से हम सीधी निशान मार लेंगे। अब हम इसकी नीचे से नाप लेते हैं तो इसकी नीचे की लंबाई 3 इंच है, तो हम 3.5 इंच ले लेंगे। इस तरह से टोटल देखेंगे हमारा कितना है। देखिए 11 निकल के आ रहा है, तो ये डीप गला है ज़्यादा, तो हम शोल्डर कम लेंगे। हम शोल्डर 5 ले लेंगे क्योंकि हमारा ज़्यादा डीप है इसलिए, और 5.5 हम आर्मोल ले लेंगे। और इस तरह से हम अब हम चेस्ट भी देख लेते हैं हमारा चेस्ट कितना है। हल्का सा हम खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचना है। देखिए 10.5 आ रहा है, हम 10.5 ले लेंगे यहाँ, लेकिन हम 10.5 पूरा नहीं लेंगे, हम 1/4 इंच कम कर देंगे क्योंकि डीप है इसलिए, और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ से हम तीरा 3 इंच लेंगे इस तरह से। देखिए हमारे यहाँ 2 इंच आ रहा है, और इस तरफ से हम गहराई देते हुए गले का शेप दे देंगे। देख लीजिए इस तरह से। अब हम यहाँ से 1/4 इंच हमें झुका के लेना है। अब हम कमर का भी नाप ले लेते हैं। हमारा हुक पट्टी है वहाँ से पूरा ले लेना है, और आई पट्टी छोड़कर हमें नाप लेना है। देखिए जितना हमारा आ रहा है 28 आ रहा है, 28.5 आ रहा है हमारा, तो उसका हम 1/4 भाग 7 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन 2 इंच ले लेंगे हम। हम इस तरह से ले लेंगे। देखिए हमारा कमर का 1/4, उसमें 1 इंच प्लस फिर 2 इंच मार्जिन। अब हम आर्मोल भी चेक कर लेते हैं हमारा आर्मोल कितना है। तो इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से नापना है। हमारा आर्मोल 8.5 आ रहा है, तो हमें देखना है हमारा 8.5 आ रहा या नहीं। हमें सिलाई मार्जिन छोड़ के इस तरह से देखना है, ऊपर से शोल्डर का भी सिलाई मार्जिन और नीचे से जो हम जोड़ते हैं बाहें उसमें सिलाई मार्जिन छोड़ के हमें नापना है। देखिए हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो हम थोड़ा ऊपर से ले लेंगे, उठा लेंगे और इस तरह से हम चेक कर लेंगे। देखिए थोड़ा ज़्यादा आ रहा था इसलिए थोड़ा सा ऊपर हमने और ले लिया है। एक बार और चेक कर लेते हैं, इस तरह से नहीं करना, जैसे हम चिपका कर नहीं लेना है नाप। देखिए हमारा बराबर आ गया है, हमें मार्जिन छोड़ के ही नाप लेना है क्योंकि उतना सिलने में जाता है, इसलिए इसे टाइट या लूज होने का या झोल मारने का डर नहीं रहता। इस तरह से हम ले लेंगे और अब हम कट कर लेते हैं। हमारा पीछे का भाग तैयार हो चुका है, अब हम आगे के भाग को तैयार करेंगे। हमें 1/2 इंच कपड़े को छोड़कर ही इस तरह से रखना है। देख लीजिए किस तरह से मैं रख रही हूँ, इसी तरह से रखना है। और जिस पूरी तरह हम निशान लगा लेंगे, जैसे है वैसे ही निशान लगा लेंगे हम। देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे निशान, ये हमारा लग चुका है। गले का भी हम निशान लगा लेते हैं ज़रा इस तरह से। और यहाँ से हम 1/2 या 1/4 इंच का डीप दे देंगे अंदर से गहराई देते हुए। अब हम गला भी चेक कर लेते हैं हमारा गला। देख लीजिए किस तरह से मैं गला नाप ले रही हूँ।
हमारा जितना निकल के आएगा गला उसमें हम आधा इंच प्लस कर देंगे, हमारा 5.5 आ रहा है, सॉरी 5.5 आ रहा है, तो हमने 6 ले लिया है और इस तरह से हमने गहराई दे दिया है। और यहाँ से हमने 1.25, देख लीजिए हमने 14 इंच पे ही लिया है इसका, क्योंकि टक्स देने पे ये ऊपर चढ़ेगा इसलिए 14 इंच पे हमने ले लिया है। इस तरह से देखिए यहाँ से हम 1 इंच का गोलाई कर दे देंगे। अब कट कर लेते हैं इसे। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी। आप देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम आपको वीडियो दिखाते हैं पर टिप्स के साथ दिखाते हैं दोस्तों, छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं हम। देख लीजिए इस तरह से हम गहराई देते हुए गले को भी कट कर लेंगे। और ये थोड़ा सा जो हमारा एक्स्ट्रा है हमें आधा इंच लेना है, वो एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये तैयार हो चुका है, देख लीजिए इससे हम टक्स अगर मारेंगे, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो हुआ है वो टक्स लेंगे हम तो उसमें चला जाएगा नीचे और ऊपर। अब हम पहले बाहिंग कट कर लेंगे इस तरह से, हम पहले से सीधा कट कर लेते हैं, देख लीजिए। अब हम बाहीं भी चेक कर लेंगे कि बाहीं की लंबाई कितनी है। इस तरह से देखिए जहाँ हमारा सिला हुआ है शोल्डर की, यहाँ सिलेंगे, देखिए कितना हमारा आ रहा है, 4 आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है, तो हम 4.5 ले लेंगे, इसमें आधा इंच प्लस कर लेंगे जो सिलाई में जाएगा। और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। अब कट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। और दोस्तों ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। देखिए कपड़ा कम था तो अब हम कपड़ा इस तरह से रख लेंगे। और यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया था और जितना शोल्डर निकल के आया था हमारा 8.5, उसमें हम 1.5 इंच का एक सूत कम करके यहाँ लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। और गहराई देते हुए इस तरह से हम शेप दे देंगे। और नीचे का भी नाप हम दो बोलते हैं, दंड घेर बोलते हैं, फिटिंग वो देख लेंगे कितना है। तो हमारा देखिए 7.5 आ रहा है, तो उसे भी लगा लेंगे निशान और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। इसे हम सीधे काट लेते हैं, पहले हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है। कटिंग करने के बाद देख लीजिए इस तरह से हमारा निकल के आया है बाहीं का शेप। अब हम योग पट्टी काटेंगे। योग पट्टी मैंने 3.5 इंच लिया है और यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है। इसे हम गहराई देते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा गहराई देना है, देख लीजिए इस तरह से। अब हम कट कर लेंगे। ये हमारा भी कट हो चुका है, हमारा तैयार हो चुका है ब्लाउज का कटिंग। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक लिए बाय बाय दोस्तों।